हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिसफुल कल्पना। और मैं हूँ कल्पना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो फैशन हॉल, जिसमें होने वाले हैं 3 प्रोडक्ट। कुर्ता सेट भी है, खाली कुर्ता भी है और कुर्ता एंड पैंट का सेट भी है। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, क्योंकि सारे ही हैं अंडर 800। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो अगर आपको इसी टाइप की वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए बातें करते हैं काम और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको सिंगल कुर्ती, जो कि होने वाली है ड्रेस या कुर्ती, कुछ भी आप कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए कितना अमेजिंग है, प्रिंट देख लीजिए। एंड सबसे अच्छी बात, समर के अकॉर्डिंग ये है 100% कॉटन, तो बहुत अमेजिंग है। मतलब पहले बता देती हूँ कि 100/100 है मेरी तरफ से। तो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। चलिए अब दिखा भी देती हूँ। तो ये देख लीजिए, इसकी नेकलाइन कुछ इस टाइप की दी हुई है, चाइनीज़ कॉलर आई थिंक कहते हैं या जो भी है। और ऊपर से ना इन्होंने यहाँ पे फ्रिल्स लगाई हुई है फैब्रिक की बना के, आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअली ये प्रिंट ऐसा है ना जो दिख नहीं पा रहा होगा, ये देखो। तो ये इन्होंने यहाँ पे फ्रिल क्रिएट की हुई है, साथ में ही आगे एक वी कट है, और ये लंबी लंबी सी इन्होंने ये डोरी बनाई हुई है, और जिसके ऊपर ये येलो कलर के थ्रेड टेसल्स लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये। बाकी आप देख लीजिए, पूरा ही है ऑल ओवर सेम प्रिंट, और इसका जो पैटर्न है ना कुछ इस टाइप का है कि वेस्ट पे आपको गैदरिंग मिलती है, फिर नीचे जाके यहाँ गैदरिंग आ रही है, और फिर नीचे जाके और फ्लेयर के लिए और नीचे भी गैदरिंग आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही अमेजिंग ये कुर्ता है, और इसे आप एज ए ड्रेस भी पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। कहीं घूमने जाना है तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी, या कॉलेज में भी पहन सकते हैं, और आने वाले फेस्टिवल में या रक्षाबंधन के लिए आप कुछ कंफर्टेबल ढूंढ रहे हैं, कुछ डिफरेंट ढूंढ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली वेयर किया जा सकता है। तो फिट कैसा आया है वो आपको ट्रान में क्लियर हो गया होगा। साइज़ मैंने लिया है इसमें M, और ये है कट स्लीव, इसके अंदर कोई भी अटैच्ड स्लीव्स नहीं मिलेंगी। तो अगर आप कट स्लीव में कंफर्टेबल हैं तो ही इसे बाय कीजिएगा। तो चलिए अब दिखाती हूँ आज के हॉल का दूसरा प्रोडक्ट, जो होने वाला है एक कुर्ता एंड पैंट का सेट, जो कि अगेन बहुत ही प्यारे कलर का है। ये देखो, ये मैरून नहीं है, ये काइंड ऑफ रस्ट टाइप का कलर दिया हुआ है, तो कॉफ़ी कलर समथिंग कुछ जो भी है एग्जैक्ट आपको शो हो रहा है ऐसा ही है। बहुत प्यारा आया और लुक भी बहुत प्यारा आया था पहनने के बाद। तो इसमें भी मैंने अपना साइज़ लिया है M। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, ये वाला प्रोडक्ट और जो इससे पहले मैंने आपको कुर्ती दिखाई थी, ये दोनों ही ना, ये देखो, जनस्या ब्रांड की है। तो ये दोनों ही जनस्या ब्रांड के प्रोडक्ट हैं जो मैंने मीशो से परचेज़ किए हैं। मैंने अपने पहले भी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मीशो से मैंने ये जनस्या ब्रांड परचेज़ किया है, जो कि ओरिजिनल है। तो अगर आपको पसंद आता है तो बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कुर्ते सेट की। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसका लुक राउंड नेक दिया हुआ है, और फ्रंट में पूरे पे ही आपको ये सीक्वेंस का वर्क मिल जाता है, और योग पार्ट पे आपको अलग से ये गोटा पट्टी लगाई हुई है, और यहाँ पे इन्होंने ये बटन्स लगाए हुए हैं, पोटली बटन्स। साइज़ मैंने जैसे कि बताया M लिया है, बहुत ही अमेजिंग कंफर्टेबल फिट आया था इसका। 3/4 स्लीव दी हुई है, स्लीव पे आपको ये गोटा पट्टी, और ये थोड़ा सा डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। बैक साइड से पूरी ही प्लेन है सेम कलर के साथ। फैब्रिक की बात कर लेते हैं, तो इसका फैब्रिक दिया हुआ है पॉली सिल्क, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉफ्ट फैब्रिक दिया हुआ है, और शाइन भी है फैब्रिक में। तो इसे भी आप फेस्टिवल में या कहीं घूमने जा रहे हैं तो ईज़िली वेयर कर सकते हैं, दुपट्टे के साथ भी ले सकते हैं और विदाउट दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। और इसके साथ ही ना इन्होंने अंदर ये देखो इनर भी लगाई हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक की लगाई हुई है। तो मुझे बहुत पसंद आया इसका क्वालिटी वगैरह सब कुछ, और जिस प्राइस रेंज में मैंने लिया है ना, तो मतलब वाओ, बहुत ही अमेजिंग है। और इसमें आई थिंक एक दो कलर और भी अवेलेबल हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो। अब इसके साथ बॉटम में मिला है मुझे ये पैंट, जो कि ना सेम ही कलर की है, सेम ही फैब्रिक की है। फ्रंट में बेल्ट का लुक है, बैक साइड में इलास्टिक मिल जाती है, बाकी नॉर्मल सॉलिड कलर की ये पैंट है, और नीचे की तरफ आपको इसमें कट भी मिल जाता है। पॉकेट देख लेते हैं है या नहीं,
तो इसमें कोई पॉकेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था ये सेट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो बाय कर सकते हैं, लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे और अब दिखाती हूँ आज के हुल का लास्ट प्रोडक्ट, जो कि होने वाला है एक फुल सेट दुपट्टे के साथ अफगानी सलवार का। तो चलिए दिखा देती हूँ इसको भी। सबसे पहले कुर्ता, तो इसमें भी मैंने अपना साइज़ लिया है M। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक जो मेंशन किया हुआ है वो है कैम्ब्रिक कॉटन। फील पूरा कॉटन का ही आ रहा था, बस थोड़ा सा ना ग्लेस है कपड़े में, थोड़ा सा स्मूथ है, बाकी पूरा ही कॉटन फील आ रहा था। प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये देखो आप, वी नेक लाइन दिया हुआ है और पूरा ही ये प्रिंटेड एक कुर्ता है। फ्रंट में आपको अलग प्रिंट का फैब्रिक मिल जाता है और साइड में ये देखो डिफरेंट टाइप का मिल जाता है। और साइड में ना इसके यहाँ पे इन्होंने चुन्नट भी क्रिएट की हुई है गैदरिंग, और ये दी हुई है इन्होंने डोरी जिसको हम यहाँ से टाई करेंगे। कैसा इसका लुक आया वो आपको ट्रायन में क्लियर हो गया होगा, और साथ में ही यहाँ पे इन्होंने स्लिट पे कट भी दिया हुआ है। बैक साइड से होने वाला है ये कुर्ता, सेम ही प्रिंट एंड पैटर्न का, जैसा फ्रंट में है वैसा ही बैक में आएगा। इसके 3/4 स्लीव दी हुई है, स्लीव पे भी वही प्रिंट मिल जाता है इसका, तो पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। साइड में आपको स्लिट्स भी मिल जाती है, काफ़ी डिफरेंट है। और अगर आप फेस्टिवल में कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं प्लस कम्फर्टेबल भी पहनना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बॉटम की, तो इसके साथ मिली है मुझे अफगानी टाइप की सलवार। ये देख लो, फुल्ली इलास्टिक दी हुई है और वही प्रिंट है जो कुर्ते में है। और ये नीचे की तरफ आपको ना ये बॉर्डर लगाया हुआ है जिस पे इन्होंने ये प्लेट्स बनाई हुई है, जिससे इसका लुक ना थोड़ा अफगानी सलवार वाला आ रहा था। तो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है, बट इसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगी है इसकी लेंथ। तो मेरी हाइट है 5, तो मुझे ये मतलब लगभग थोड़ी सी ही बड़ी थी। अगर आपकी हाइट 5'5" है या उससे ज़्यादा है तो ये आपको ना शॉर्ट रह सकती है, तो आप देख लेना। अगर आपको पसंद आता है ट्राई करना चाहें तो क्या बुरा है, इतने रेंज में तो मतलब अच्छा ही है। तो अब इसके साथ मिला है तीसरा पीस, ये दुपट्टा, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का है, काफ़ी कंफर्टेबल है, फुल प्रिंटेड है वही जो कुर्ते बॉटम का प्रिंट है। और लुक पूरा कैसा आया ट्रायन में आपको क्लियर हो ही चुका होगा। तो एक अफोर्डेबल रेट में अगर आप कुर्ता सेट ढूंढ रहे हैं तो ये बाय कर सकते हैं। इसमें ना आई थिंक 2 कलर और भी अवेलेबल हैं, और इसमें आपको 6XL तक साइज़ मिल सकता है। जी हाँ, इसमें 6XL तक साइज़ अवेलेबल हैं, तो आपका जो भी साइज़ है आप इजीली परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। कैसी लगी आज की वीडियो और कैसे लगे आज के प्रोडक्ट्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा है। तो चलिए फिर अब मिलती हूँ नए हॉल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।